एनसीईआरटी आरबीएससी के तहत लेसन 4 का खान पान व्यवस्था और भोजन प्रबंध में फोर्थ प्रश्न है, कल्याणकारी व्यावसायिक भोजन प्रबंध के अंतर स्पष्ट कीजिए। अब इसमें दो तरह की व्यवस्था होती है, एक तो कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं भोजन प्रबंध में और दूसरा होता है व्यावसायिक कार्य होता है जिसमें जिसका उद्देश्य पैसा कमाना भी होता है, ठीक है, अच्छी सुविधा देना भी होता है। उद्देश्य संबंधी अंतर, कल्याणकारी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य परोपकारी सामाजिक सेवा होता है। इन सेवाओं को कैसे करने वाले संगठनों व्यक्तियों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि लोगों को ठीक तरीके से भरपेट खिलाया जाए और यदि खानपान माध्यम से कोई लाभ पका हो तो वह गौण महत्व का होता है। दूसरी तरफ व्यावसायिक सेवाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ऐसे लोगों या संगठन लाभ कमाने के लिए खाद्य सामग्री पेय पदार्थ को बेच। लाभार्थी या उपभोक्ता संबंधी अर्थ, कल्याणकारी प्रतिष्ठानों में भोजन सेवा जनसाधारण को उपलब्ध नहीं होती है, यह तो केवल उन संस्थान संगठनों के सदस्यों के लिए होती है जिसके लिए सेवा चलाई जा रही है। व्यावसायिक सेवा भोजन सेवा सेवाएँ प्रबंध सेवा प्रतिष्ठान सामान्य जनों के लिए प्रयोग के लिए खुले रहते हैं। प्रतिबद्ध संबंधी अंतर, कल्याणकारी भोजन सेवाओं प्रबंधकों के व्यापार के दृष्टिकोणों से कई अन्य लाभ प्रबंधकों के साथ मुकाबला नहीं करना पड़ता क्योंकि उनका काम केवल नियोक्ता संस्थान से संबंधित होता है। व्यावसायिक भोजन में प्रबंधों के व्यापार के दृष्टिकोणों से इस प्रकार के अन्य भोजन संस्थान के प्रबंधकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है क्योंकि इसका काम जन सामान्य से संबंधित होता है।